हेलो, हाँ प्रणाम पंडित जी, हर 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 महादेव। हर महादेव। कौन, माँ जी, मैं आकाश मिश्रा बोल रहा हूँ, कहाँ से? जबलपुर से। हाँ आकाश, बताएं। सर ये हमारी जनपद का तो ठीक से याद नहीं है, अब आपसे बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बताएंगे, आवाज से जब सबका बताते तो आपका बताएंगे। जी पंडित जी, बस यही जानना था, हाँ, सरकारी नौकरी कब तक मिल कोई जाएगी? आपकी आवाज बता रही है, पिछले 8-9 महीने से आप चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों के, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा, सही या गलत? हाँ पंडित जी सही है, तो आप आप, नहीं हाँ, बता आपकी आवाज के अनुसार आपके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के यहाँ पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ विपत्तियां घटी हैं, सही या गलत? हाँ विपत्तियां तो घटती है बहुत सी। ठीक है, आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं वह सही है। आप सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? ये जाना पंडित जी, सरकारी नौकरी कब तक मुझे मिल जाएगी, या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बता दीजिए क्या? सरकारी सरकारी नौकरी लग सकती है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, आशा कम है, फिर भी प्रयास करते रहें। और आप तो लोकल जबलपुर में रहते हैं, कभी भी आकर हमसे मिल सकते हैं, सोमवार छोड़कर शाम को 6 से 8 के बीच लग जाएगी पंडित जी सरकारी नौकरी? कोशिश कर लें, बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगी, प्रयास कर लीजिए। ठीक है, आपको यह जी कार्यक्रम कैसा लगा विकास? जी बहुत अच्छा लगा। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। जी, प्रणाम। सुखी रहें। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ कौन? पंडित, हेलो। हाँ बोलिए, ये फेसबुक वाला मोबाइल दूर रख दीजिए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो, कौन जी, कौन कहाँ से? हेलो कौन? विवेक विवेक मिश्रा, कहाँ से? मिश्रा, गौरीगंज अमेठी से, कहाँ से? अमेठी। अच्छा, विवेक बोल रहे हैं। जी, विवेक मिश्रा। हाँ, विवेक जी बताइए, तारीख है या नहीं? नहीं सर, तारीख नहीं है। चलिए, आपकी आवाज के अनुसार जो हम बता रहे हैं, बताइए ऐसा सही है या गलत है? आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 8-9 महीने से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त चल रही है, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, सही है या गलत है, बताएं? सही है। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 7-8 महीने के अंदर आपके घर में भीड़ इकट्ठी हुई थी, कोई कार्यक्रम हुआ होगा, ऐसा है या नहीं? हेलो, आपकी आवाज के अनुसार पिछले 8-9 महीने के अंदर आपके घर में भीड़ इकट्ठी हुई होगी, लोग आए होंगे, कोई कार्यक्रम हुआ होगा, ऐसा है या नहीं? नहीं अभी तो नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची हुई थी बस, तो छोटी बच्ची और हुई नहीं। थी, तो बच्ची तो छोटी ही होते हैं, बच्चे भी छोटे ही होते हैं, तो भीड़ भाड़ तो होती, लोग तो आए होंगे कि नहीं आए? अब भाई हम आपकी आवाज से बता रहे हैं, अब आवाज से अगर हम इतना बता रहे हैं, आप अमेठी में हैं और हम जबलपुर में हैं, और अपने स्टूडियो से जबलपुर से अपने घर से बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं आवाज से, तो मेरे ख्याल से तो बड़ी विलक्षण बात है कि नहीं है? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। ठीक है, आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज थोड़ा कोई जॉब नहीं मिली, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा तबीयत खराब रहती है, कोई घर ऐसा। देखिए, आपकी आवाज के अनुसार आपको नींद की समस्या रहेगी, नींद का बराबर सुख नहीं मिल रहा होगा, इसके कारण आपको शरीर में दर्द और ऐंठन मरोड़ टाइप की तकलीफ शरीर में रहती होगी, सही है गलत? जी हाँ, तो इसको सुधारने के लिए आप पर्याप्त नींद लीजिए, गणेश जी की और हनुमान जी की सेवा कीजिए, ताकि आपके जीवन जी के विघ्न और संकटों का निवारण हो, आने वाला समय आपका जी अच्छा है, चिंता ना करें। आपको हमारा यह ग्रह दशा कार्यक्रम आवाज सुन के बताने का कैसा लगा? बढ़िया लगा। इसे शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो जय माता दी, हेलो, जय माता दी। जी जय माता दी। कौन? मैं मनीष मित्र, मनीष। हेलो, मनीष मित्र बोल रहा हूँ। हाँ मनीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। तारीख समय है जी, बताइए।
जी मेरी तारीख 2/7/1997 कहते हैं प्रातः 10:22 2/97:10:22 सवेरे कहाँ का जन्म है जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है बेटा। व्यवहारी। व्यवहारी। 2 जुलाई 1997 10:22 सुबह मध्य प्रदेश व्यवहारी है, ठीक है। आपकी कुंडली यदि सही है तो आपकी आंखें बहुत ही चंचल होनी चाहिए, आंख स्थिर नहीं रहती, सही या गलत बताएं। सही है गलत है? सही है। आपकी कुंडली यदि सही है तो आपके मकान के सामने तरफ सीधे हाथ तरफ सुंदर सुंदर फूलों के झाड़, मनी प्लांट या आंवले का पौधा लगा होना चाहिए, सही या गलत? पीपल का है मालिक जी, पीपल का दृश्य है। आपकी कुंडली के अनुसार आपको खटाई वस्तुएं जैसे चाट, फुल्की, पकोड़े, दही, कढ़ी ये पसंद आते हैं बहुत खाने में, सही? जी जी। कुंडली सही है, बताएं क्या जानना चाहते हैं जी? तो जीवन के बारे में, घर पर, घर परिवार, विवाह शादी का। आपने तो 10-12 प्रश्न, एक कोई एक प्रश्न कर ले, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, आप देख रहे हैं वेटिंग चल रही, जो जरूरी प्रश्न वो पूछ लें। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में तरक्की होगी कि नहीं होगी? बहुत तरक्की होगी, चिंता ना करें, अभी वो समय आया नहीं है। 28 साल के बाद, 32 साल के बाद, 36 और 42 साल के बाद दिन प्रतिदिन उन्नति होती चली जाएगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? ये बहुत अच्छा। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोग लाभ ले सकें, और हमारे पेज को लाइक फॉलो करिए, ठीक। हेलो, कौन? हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से? दिनेश केवट बोल रहा था, भोपाल से। दिनेश दुबे? दिनेश केवट। दिनेश केवट, अच्छा जी। बताइए। कोई पूछना था पंडित जी मेरे को, तारीख समय है या आवाज से बताएं? सर तारीख तो है लेकिन वो समय का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज से हम बता रहे हैं। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 1-1.5 साल से भयंकर आर्थिक संकट और बेचैनी का अनुभव आप कर रहे होंगे, सही या गलत? बिल्कुल सही। आपकी आवाज बताती है कि आपका रंग सांवला होगा और पत्नी बिल्कुल गोरी होगी, ऐसा सही है या गलत? बिल्कुल सही पंडित। आपकी आवाज के अनुसार आपकी पत्नी का नाम आर से या एस से शुरू होता है, एस फॉर साउथ, आर फॉर रेलवे, आर या एस से आपकी पत्नी के नाम की शुरुआत होती होगी, बताएं सही? बिल्कुल सही पंडित जी, एस से शुरुआत। ठीक है, आपकी आवाज के अनुसार जो हम समझ पा रहे हैं वह सत्य है, आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ये 1.5 साल से जो मेरा काम धंधा बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल पैसे बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो आगे क्या है यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखिए, आपकी आवाज के अनुसार वर्तमान समय अनुकूल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो हम आपको बता ही चुके, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। अगले वर्ष यानी लगभग अप्रैल के बाद आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, तो आने वाला जो है 4-5 साल का समय आपका आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, चिंता ना करें। और कुछ जानना चाहते हैं? ठीक ठीक रहेगा, वैसे भी हमारा एक तजुर्बा है, कहना नहीं चाहिए, शादी के बाद हमने किसी को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, शायद बिरला कोई भाग्यशाली हो जो हंसता मुस्कुराता हो, नहीं तो 7.5-7.5 साल की होती है, शादी के बाद की 7.5 साल का कोई भरोसा नहीं होता, सच्ची बात यह है। हंसते रहिए, नज़रअंदाज करिए, दो कान रखिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए, इसी में जीवन ठीक है, और नहीं होता तो हम भोपाल आते रहते, आप मैसेज कर दीजिए कि हमें भोपाल में मिलना है, हम जैसे भोपाल पहुंचेंगे आपको फ़ोन कर लेंगे, आप वहां मिल लीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका जीवन सुदृढ़ हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, आपकी आवाज़ से हमने जितनी बातें बताई आप मानते हैं सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। तो आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए और हमारे पेज को लाइक करिए ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले, ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल।